हेलो बच्चों, आज आपके लिए फिजिक्स वाली मैम एक और शॉर्ट ट्रिक लेकर आई है, क्योंकि वो आपके मन की और फिजिक्स की सारी कठिनाइयों को जानती है, यू नो। तो देखते हैं बेटा, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, हाउ टू डिवाइड अ करंट इन पैरेलल, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई हैं उनमें सबसे बड़ी रेजिस्टेंस को ढूंढ लीजिएगा। कौन सी है? 8 ओम। जितनी बड़ी रेजिस्टेंस उतना करंट कम, जितनी छोटी रेजिस्टेंस करंट उतना ज्यादा। तो मान लीजिए इसमें करंट आई, तो रेजिस्टेंस हो गई हाफ, तो करंट हो गया ज्यादा 2i। रेजिस्टेंस 1/4, तो करंट और भी ज्यादा। जैसे जिस जगह की टिकट कम वहां पर लोग ज्यादा, सिमिलरली राइट, आई 2i 4i। तो तीनों करंट मिला के आपके पास कितना आ गया बच्चों, कितना करंट आ रहा है? द करंट वॉज 10 एम्पियर, राइट। तो टोटल करंट हो गया 7i, तो आई कितना आ गया 10/7 एम्पियर। तो बच्चों इसका करंट 10/7, इसका 20/7, और इसका क्योंकि 4i है तो 40/7। लेकिन कभी कभी ये वाली ट्रिक सभी क्वेश्चन में नहीं लग पाती। क्यों नहीं लग पाती? कैलकुलेशंस थोड़ी टफ हो जाती हैं। मान लो यहाँ 8 है, यहाँ 3 होता तो क्या करते हम? तो इसके लिए मैं आपको एक और अगले वाली ट्रिक दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, राइट। देखो ये क्वेश्चन, 8, 4, 6 तीन रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं हमारे पास, ठीक है। अब 8 का मान लो मैं आई मानूँ, तो 6 का क्या मानूँ? कन्फ्यूजन हो जा रही है ना, ठीक है। इसमें आई है तो इसमें 2i ले लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हो गई हाफ, तो करंट हो जाएगा डबल। लेकिन 6 ओम में क्या लेंगे? इसके लिए ये वाली ट्रिक है, आपको इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चा? I1:I2:I3, आपको क्या करना है? रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, तो क्या करेंगे? 1/6:1/4:1/8। कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दी, 6, 4, 8 का कॉमन मल्टीपल 24 आ जाएगा, तो 24/6 कितना हो जाएगा? 4, 24/4 यानी 6, एंड 24/8 यानी 3। तो करंट किस रेशो में डिवाइड होगा? 4:6:3, ठीक है। तो मान लीजिए करंट I1 जो है वो 4x, I2 जो है वो 6x, और I3 जो है वो कितना है? 3x। और इन तीनों का सम कितना आ रहा है बच्चा हमारे पास? 10 एम्पियर, राइट। तो 4 और 6 10, और 3 13, तो x आपके पास आ गया 10/13 एम्पियर, राइट। ओके, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1? I1 इज 4x, तो व्हाट विल बी द करंट? बोलो बोलो, मैं सुन रही हूं। यस, 40/13। आपने वीडियो को पॉज करना है और फिर आंसर्स लिखने हैं, फिर मेरे साथ टैली करना है। I2 की वैल्यू बोलो, यस 6x। चेक करो, आपका भी आंसर यही आया था क्या? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3? चेक करो, आपका मेरे जैसा आंसर आया कि नहीं? 3x। 3x मतलब 30/13 एम्पियर, राइट। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। एक और बात सुन लो, ये 6 ओम की जगह ऐसा भी हो सकता था 4 ओम 2 ओम दोनों सीरीज में होते, या 4 ओम की जगह 1 ओम 3 ओम दो रेजिस्टेंस में डिवाइड होता, तब भी यही फॉर्मूला लगता। थैंक यू सो मच।